नमस्कार, मैं आज आपको एक जिंदगी की सीख सिखाने आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, तंग आ चुकी हूँ। मेरी जिंदगी में हर एक दिन एक नई समस्या आ जाती है और मैं उसका सामना नहीं कर पाती और कोई उपाय भी नहीं ढूंढ पाती। मैं प्रिया अपने बाबा की सबसे प्यारी बेटी हूँ। आइए उनसे ही इसका हल पूछ लेते हैं। बाबा, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ, तंग आ चुकी हूँ। मेरी जिंदगी में हर एक दिन एक नई समस्या आ जाती है और मैं उसका सामना नहीं कर पाती और उसका हल भी नहीं ढूंढ पाती। इसका हल आप ही मुझे बताइए। हाँ बेटा, मैं तुम्हें इसका हल जरूर बताऊंगा। चलो किचन में चलते हैं, वहाँ तुम्हें कुछ दिखाऊंगा और तुम अपने आप समझ जाओगी कि तुम्हारी परेशानियों का हल क्या होगा। ये देखो बेटा, अब हम पहुँच गए हैं किचन में। तुम्हें पता होगा कि मैं तो पेशे से शेफ था, यानी कि मैं पहले खानसामा था, खाना बनाया करता था। अब मैं तुम्हारे सामने तीन बर्तन में तीन चीजों को उबलने के लिए रखूंगा। आधा घंटा हम इन तीन चीजों को रखेंगे। एक बर्तन में मैं आलू डालूंगा, एक बर्तन में अंडा और तीसरे में डालूंगा मैं कॉफी बीन, और बर्नर को आधे घंटे के लिए ऑन कर दूंगा। आधे घंटा हो चुका है बेटा, अब मैं बर्नर बंद कर रहा हूँ और हर एक चीज को मैं अलग अलग रख रहा हूँ। ये सबसे पहले आलू है, ये मैंने बड़ी प्लेट में रख दिया। ये है अंडा, जिसे मैंने दूसरी प्लेट में रख दिया, और कॉफी तुम्हारे लिए तैयार है। अब तुम इस मग में कॉफी का मजा भी ले सकती हो। अब तुम्हें क्या समझ आया ये बताओ। बाबा, मुझे बड़ी प्लेट में आलू दिख रहा है और दूसरी प्लेट में अंडा और एक मग में कॉफी दिख रही है। जरा ठीक से देखकर बताओ बेटा, क्योंकि तुमने इन चीजों को छुआ नहीं है। छू कर बताओ मुझे। बाबा, आलू कठोर था, अब नर्म हो चुका है। अंडा भी कठोर था, बट कॉफी तो घुल चुकी है। वाह, क्या कॉफी बनाई है बाबा, मेरा मन तो तरोताजा हो गया। लेकिन अभी भी मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, तुमने ध्यान दिया होगा, जब हमने सबसे पहले आलू को गर्म पानी में रखा तो आलू सख्त था, लेकिन पानी में उबलने के बाद वहीं वो नरम पड़ गया। अंडा जहाँ पर कमजोर था वही अंडा अब सख्त हो गया है, और कॉफी बीन पूरे वातावरण में फैल गई और एक खूबसूरत सी चीज बन गई, जिसमें एक भरपूर स्वाद हम महसूस कर सकते हैं। तीनों एक ही परिस्थिति से गुजरे, लेकिन सबका व्यवहार अलग अलग था, यानी कि एटीट्यूड। तुम्हारे भी हर परेशानी का हल है तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा एटीट्यूड। तुम किस तरीके से बनना चाहती हो, आलू की तरह, अंडे की तरह या कॉफी की तरह? अच्छा बाबा, अब मुझे समझ आया आप कहना क्या चाहते हो। मुझे आलू या अंडा नहीं बनना, मुझे कॉफी बनना है। परिस्थितियों के साथ अपने व्यवहार को बदलना है। तो तुम बिल्कुल सही समझी हो। कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां हो बेटा, उनमें ढलकर उनको बदल सकते हैं। अगर तुम जिंदगी में प्रॉब्लम करोगी तो सिर्फ प्रॉब्लम्स ही दिखेंगी, लेकिन अगर सॉल्यूशन पर काम करोगी तो तुम कभी भी जिंदगी में मार नहीं खाओगी। जीवन की विषम परिस्थितियों के समक्ष हमें कभी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, ना ही उनके प्रभाव में जीवन के प्रति सख्त रवैया अपनाना चाहिए, बल्कि हमें कॉफी बीन्स की तरह उन परिस्थितियों के भीतर जाकर उनका इस तरह सामना करना चाहिए कि परिस्थितियां ही बदल जाए। If you like my story, please like, share and subscribe. Thank you very much and have a good day.